नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में मतदान हो चुका है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि इस बार सियासत की गद्दी पर किसी और का नहीं बल्कि चाचा भतीजे का ही राज होगा। जो समीकरण अब तक महज अटकलों पर सीमित था, एग्जिट पोल ने उन्हें पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया है। ये चुनावी दंगल बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच नहीं बल्कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच की गहरी सियासी समझ और तोड़ के इर्द गिर्द घूमेगा। महायुति की जीत का अनुमान इस बार साफ तौर पर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में महायुति को 150 से 170 सीटों तक की बढ़त मिलने का दावा किया जा रहा है, जिससे साफ हो गया है कि अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता की चाबी बीजेपी और शिवसेना के हाथों में ही होगी। लेकिन यहां पर चाचा भतीजे की जोड़ी, विशेष रूप से अजीत पवार की किंगमेकर की भूमिका से सरकार का सारा खेल बिखर सकता है। अगर महायुति के घटक 145 से 150 सीटें हासिल करते हैं तो सत्ता का रुख एक बार फिर से अजीत पवार की तरफ मुड़ने में देर नहीं लगेगी। वो सियासी गठबंधनों के महाजंग के निर्णायक हो सकते हैं। सत्ता की गद्दी पर यह खेल शरद पवार और अजीत पवार की राजनीतिक चतुराई का ही परिणाम हो सकता है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले साल भी 41 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा गया था। तब से ही ये सवाल तैरने लगा था कि महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार के दोनों धड़े एक बार फिर से सियासी उठापटक में जुटने वाले हैं। अब एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं कि इन दोनों ही धड़ों की अहमियत चुनावी नतीजों में निर्णायक हो सकती है। शरद पवार की पार्टी, जो लोकसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रदर्शन कर चुकी है, इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रखती है। अगर एग्जिट पोल्स का अनुमान सही साबित हुआ तो पवार की पार्टी 30 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं विपक्ष भी अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखते हुए पवार एक बार फिर से राज्य की सियासत में दबदबा बनाए रख सकते हैं। अगर विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने अपनी जड़ें और गहरी कर ली तो पवार की सियासी ताकत और भी ज्यादा प्रचंड हो सकती है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो भी बता देते हैं। बीजेपी को 23%, शिवसेना को 11%, अजीत पवार की एनसीपी को 7% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं एमवीए में कांग्रेस को 14%, शिवसेना यूबीटी को 12% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी को भी 12% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर मनसे के खाते में 2% वोट और अनिक को 16% वोट मिलता है तो सियासी समीकरण हर पल बदलते रहेंगे। ये साफ है कि चाहे महायुति जीत जाए या महाविकास अघाड़ी, सत्ता का असली खेल सिर्फ और सिर्फ पवार परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। यही वो सियासी चाले हैं और धोखे हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सूत्रधार अजीत पवार ही हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस चुनावी समर में एक ही बात तय है, महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार बने, सरकार चलाएंगे तो चाचा भतीजे हैं। फिलहाल ही संकेत तो यही मिल रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।